बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया को मिल रही है धमकियां, कई सारे धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेज। इसकी जानकारी उनके हस्बैंड फरहान आजमी ने ट्वीट करके दी। फरहान ने लिखा कि उनकी वाइफ, माँ और 7 महीने की प्रेग्नेंट बहन को फोन कर धमकियां दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें ये धमकी एक केस से जुड़े मुकदमे बाद से मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में मुंबई पुलिस और सीनियर पुलिस ऑफिसर को टैग करते हुए उन पर फोन को इग्नोर करने का भी आरोप लगाया। फरहान ने डीसीपी दहिया से हुई चैट का स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से आयशा टाकिया के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। मुंबई पुलिस इज सपोज टू हेल्प द सिटीजंस, यू एंड योर ऑफिसर्स आर हेल्पिंग दिस मैन हैरेस माई फैमिली एंड वाइफ, आई एम कॉलिंग यू टू कंप्लेन एंड यू आर डिस्कनेक्टिंग माई कॉल, सर काइंडली एंसर माई कॉल, वी विल बी फोर्स टू एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज ऑफ यू नॉट हेल्पिंग अस एंड अवॉइडिंग माई कॉल्स। इतना ही नहीं, फरहान ने धमकियों से परेशान होकर पीएम नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज को भी टैग किया और उनसे मदद की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि फरहान समाजवादी नेता अबू आजमी के बेटे हैं। बाद में फरहान ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें ज्वाइंट कमिश्नर देवेन भारती ने फोन कर उन्हें भरोसा दिलाया कि कोई भी उन्हें या उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर मुंबई पुलिस का धन्यवाद किया और मीडिया को भी उनके कंसर्न के लिए ट्वीट कर धन्यवाद किया। प्लीज गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।